चलिए दोस्तों लेके आ गए हो आपके लिए और एक जबरदस्त वीडियो एंड द कंफ्यूजन इज फाइनली गॉन। नहीं कंफ्यूजन नहीं गया है दोस्तों, जी हाँ। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको कि चाइना में 3 फोन्स जो लॉन्च हुए हैं नोट सीरीज के, रेडमी नोट 9 सीरीज के, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आपको इनमें से कौन से फोन्स इंडिया में आने वाले हैं, किस नाम से आएंगे, किस स्पेसिफिकेशन से आने वाले हैं। जी हाँ, सब कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। ओके, जो रूमर्स थे ना दोस्तों, दे आर बैंग ऑन टारगेट। जी हाँ, 3 फोन्स लॉन्च हुए, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G। जी हाँ, टोटल 3 फोन्स हैं। और आप पूछोगे कि भाई ये Redmi Note 9 4G क्यों पहले लॉन्च हुआ, मतलब उधर ऑलरेडी Note 9 हो गया था लॉन्च, उस टाइम Note 9 नहीं हुआ था दोस्तों, Note 9 Pro हुआ था जो 4G था, और ये जो है ये 4G है एंड Note 9 है। यस, इंडिया में Redmi Note 9 लॉन्च हुआ था, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना टोटल कंफ्यूजन है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 9 Pro 5G की। जी हाँ, इस फोन में ऐसे कुछ आया हुआ है जो मिड रेंज में जनरली आपको नहीं दिखता है। यस, इट हैज गॉट 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर, यस, वो भी HM2, जो बहुत सारे मतलब फ्लैगशिप में भी नहीं आया हुआ है वो इसमें आया हुआ है। सोचिए दोस्तों, अंडर 20,000 मिड रेंज स्मार्टफोन हैविंग 108 मेगापिक्सल, ये एक ट्रेंड सेट करने वाला है, मतलब पिक्सल वॉर जो है जारी रहने वाला है। और अगर इसमें आ गया Redmi Note 9 Pro 5G में, तो Realme भी लेके आएगा, Motorola भी लेके आएगा, और भी जो दूसरे ब्रांड्स हैं दोस्तों वो भी लेके आने वाले हैं। सो दिस इज समथिंग वी शुड लुक फॉरवर्ड इन 2021। बाकी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ये आता है Qualcomm Snapdragon 750G पे। यस, 750G 5G प्रोसेसर है, डिस्प्ले में भी दोस्तों अपग्रेड है, 120Hz अभी फास्ट रिफ्रेश रेट पैनल है। सो अगर बाकी के स्पेसिफिकेशंस के पास देखोगे, इट इज क्वाइट एन अपग्रेड। 4820 मिली एम्पीयर की बैटरी है, विच इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्लियर, एंड 33W का फास्ट चार्जिंग है, विच इज क्वाइट गुड, एंड स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों अगर इस फोन के पास देखोगे तो मुझे सही में यह अच्छा लग रहा है। और वेरियंट्स के बारे में बात करूं तो 6128 जो है दोस्तों वो 1599 मतलब 1600 युआन में आता है, अगर आप कन्वर्ट करते हो इट विल स्टिल बी अंडर 20,000, 19-20 हजार अगर आप कन्वर्ट करते हो। तो सोचिए दोस्तों, 19-20 हजार का फोन विथ 108 मेगापिक्सल। अब आप पूछोगे कि भाई ये इंडिया में आने वाला है कि नहीं, ये बता भाई, बाकी सब चीजें छोड़ दे, वी वॉन्ट दिस इन इंडिया, एंड आई थिंक यस इट विल कम टू इंडिया। ये आएगा Note 10 Pro के नाम से, अगर आप मुझसे पूछे हो, अगेन दिस इज अ गेस वर्क, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेकिन ये इंडिया में आएगा एज अ 5G फोन अंडर 20,000 या अराउंड 20,000 इस प्राइस रेंज में, और वो भी दिसंबर में। Yes, याद रखिए, उनका जो Note 9 सीरीज लॉन्च हुआ था मार्च में लॉन्च हुआ था, जनरली साल भर में 2 सीरीज लॉन्च करते हैं, दिवाली तक Note 10 लॉन्च होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लॉन्च इवेंट था चाइना में उसके लिए वो रुके हुए थे। अब वो लॉन्च इवेंट खत्म होने के बाद दोस्तों इंडिया में आएगा दिसंबर, आई एम प्रीटी श्योर, यस 90% प्लस गारंटी। लेकिन दोस्तों एक बात, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात, 108 मेगापिक्सल दिया हुआ है कैमरा, बट बाकी के 2-2 मेगापिक्सल अभी भी नहीं छोड़े हैं। 108 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर, डायरेक्टली 8 मेगापिक्सल, एंड देन 2 एंड 2 और कैमरा है नाम के लिए। आई जस्ट होप, मतलब अभी प्राइम मैंने देखे नहीं है कैसे फोटोज आते हैं, 108 मेगापिक्सल इतना पता है, एक्चुअल में मुझे देखना पड़ेगा, 2-2 मेगापिक्सल क्या जरूरत है। चलिए दूसरे फोन के बारे में बात करते हैं जो मुझे लगता है इंडिया में आएगा, एंड दिस इज नॉट 5G, इट इज 4G। जी हाँ, Redmi Note 9 4G जो है दोस्तों ये इंडिया में आएगा एज Note 10, मुझे ऐसे लगता है। स्पेसिफिकेशंस क्विकली आपको बता दूं, ये आता है Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर पे, जो बेस वेरिएंट है वो है 4GB 128GB, उधर जो प्राइस है दोस्तों वो है 999 युआन, इसका मतलब 11-12 हजार तक ये आ जाएगा, सो इट इज परफेक्टली फिट्स इन दैट प्राइस रेंज। और अगर बैटरी के बारे में बात करूं, 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी आती है, सो बैटरी हैज गॉट अ बिग अपग्रेड, 18W का फास्ट चार्जिंग है। दूसरी बड़ी चीज जो अपग्रेड हुई है वो है डिजाइन दोस्तों, सनराइज डिजाइन वगैरह आया हुआ है, सो उसका जो लुक है वो भी चेंज हो गया है, एंड इट इज अ 4G फोन। जी हाँ, 662 पे है, सो इट इज नॉट अ 5G फोन। सो प्रो वेरिएंट जो है Note 10 का वो 5G होगा शायद, एंड सिर्फ जो Note 10 है वो शायद मेरे हिसाब से विल बी अ 4G। और दोस्तों ऐसे भी हो सकता है कि बिकॉज इट इज स्लाइटली हायर, तो Redmi Note 10 प्राइम के नाम से आ सकता है। याद रखिए, Redmi 9 प्राइम आया था, तो Redmi Note 10 प्राइम के नाम से भी आ सकता है। सो आई एम नॉट श्योर एट दिस पॉइंट, और इसके बारे में ज्यादा गारंटी नहीं दे सकता हूं, बट स्टिल इधर Note 10 और Note 10 प्राइम।
वैसे दोस्तों मीडिया टेक ने कहा था कि 2021 में हम डायमेंसिटी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन इंडिया में लाने वाले हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो तीसरा फोन आज चाइना में लॉन्च हुआ है वो इंडिया में अभी नहीं आएगा दिसंबर में, शायद नेक्स्ट ईयर जैन फेब में आ जाएगा। एंड दैट इज रेडमी नोट 9 5G। ये आता है डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर पे। जी हाँ, जो रियलमी X7 का था उसका अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। इट्स अ वेरी डिसेंट एंड केपेबल प्रोसेसर। बाकी के स्पेसिफिकेशन के पास देखते हो दोस्तों, फुल HD प्लस स्क्रीन है, 6128 इसका बेस वेरिएंट आता है, एंड इसकी जो प्राइस है 1299 युआन है, इसका मतलब अराउंड 14-15,000 रुपीस। 5000 मिली एम्पीयर की बैटरी, 18 वॉट फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ, एंड द एंटायर पैकेज लुक्स गुड। 1299 वेरी गुड प्राइस, इधर शायद 14-15। सो ये जो फोन है दोस्तों, आई डोंट नो इसका नाम क्या होगा, आई डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू लॉन्च इन इंडिया, इधर आएगा या नहीं पता नहीं मुझे। आई एम होपिंग कि जैन या फेब में ये लॉन्च हो जाए किसी और नाम से, आई एम नॉट श्योर सीरियसली। और हाँ, और एक चीज दोस्तों उन्होंने लॉन्च की, उनका वॉच रेडमी वॉच, ये 1.4 इंच का डिस्प्ले है, 7 दिन की बैटरी है, 300 युआन इसकी प्राइस है। सो रियलमी का जो वॉच है उसी के साथ कंपीट करने के लिए रेडमी वॉच भी आ गया, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी इंडिया में जरूर लॉन्च होगा, वही 5000 अंडर 5000 प्राइस रेंज में। जी हाँ, सो दीज आर द थिंग्स जो आज लॉन्च हुए चाइना में, जिसमें से प्रीटी श्योर जो मैंने बताया दो फोन्स लॉन्च होंगे इंडिया में। अगर आपको कुछ और खबरें हैं और कोई लीक्स आपको पता है, आपको पता है कौन से फोन्स कब आने वाले हैं इंडिया में, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।